नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हम दिखाते हैं पूरा सच। आपको बताते चले कि 15 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ईंट पत्थर चलाते हुए दिखाया गया है। जब यू न्यूज लाइव 24 की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह एक तरफा दिखाया गया है। जब यू न्यूज लाइव 24 की टीम ने सच जाना तो सच कुछ और ही निकला। वायरल वीडियो में ईंट पत्थर चलाते हुए व्यक्ति विनोद कुमार ने यू न्यूज लाइव 24 की टीम को बताया कि ईंट पत्थर तो हमने अपने बचाव में चलाए थे। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक पहलू ही दिखाया गया है, जबकि दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो वारदात की सच्चाई को बयां कर देगा। हरी कृष्ण बीरू की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर माँ माई की आरती हुई है। जैसा आपको मालूम है कि जो विशेष पर्व होते हैं गंगा के, उनकी पूर्व संध्या पर कानकुब्ज सेवा समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिससे जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनकी जिज्ञासा जगे और उन्हें लगे कि कन्नौज के लोग भी जागरूक हैं। वो सब आरती में सम्मिलित होते हैं और जनपद के भी कोने कोने से तमाम नौजवान माताएं बहनें आती हैं और आरती में सम्मिलित होती हैं। जब आरती होती है तो हमें लगता है कि कन्नौज में काशी और हरिद्वार की जो दर्शन होते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम हरिद्वार में हैं, हम काशी में हैं। हम सब ने आज महामाई की आरती की और महामाई से प्रार्थना की कि हमारे समाज को, हमारे देश को बीमारियों से मुक्त रखें। क्यों आरती पहले बांके बिहारी झांकी की उस झांकी के सहित होती थी, नृत्य होता था राधा कृष्ण का, लेकिन कोरोना के चलते, महामारियों के चलते ये सब बंद हो गया है। आज हम सब ने प्रार्थना की कि जैसा पहले था वैसा ही हमारा समाज, हमारा देश हो जाए, हम सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमने कामना की माता से। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।